everyone, welcome back to my channel and today's video is a Meesho bag haul video. So this is my first haul video from Meesho. पहली बार मैंने मीशो से कुछ मंगाया है एंड बैग्स मुझे चाहिए थे, हैंड बैग्स एंड ऑल. आजकल जैसे चल रहे हैं तो ऐसे वाले बैग्स मुझे चाहिए थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई आउट मीशो दिस टाइम. इस वीडियो में काफी कुछ नया है, लाइक मीशो से मैंने पहली बार कुछ ऑर्डर करा है, मीशो हॉल मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. दूसरा, आई हैव चेंज्ड द बैकग्राउंड अ लिटिल बिट, तो अभी मैं अपना रूम जो है इसको थोड़ा चेंज कर रही हूँ. आगे वाली वीडियो में मैं बस दिखाऊंगी कैसे मैंने क्या क्या चीजें क्या लगाई हैं रूम के अंदर, तो मैं पूरा काफी कुछ यहाँ पे चेंज करने वाली हूँ, तो उसकी मैं कंप्लीट वीडियो फिर बाद में ऐड करूंगी जब कंप्लीट डन हो जाएगा रूम पूरा. थर्ड नंबर पे नई चीज ये है कि आई हैव कलर्ड माई हेयर, तो आई होप कि आप देख सकते हो जो मैंने हेयर जो है नीचे से थोड़े कलर हेयर का चेंज कर लिया है एट होम. तो मैंने ये घर पे किया है, इसकी वीडियो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भी आप चेक कर सकते हो. ऊपर आई वाला जो है उसको प्रेस करके भी आप बोली वीडियो निकाल सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो इस वीडियो के लिए आपको मैं जो जो बैग्स मैंने जो उस पे मीशो पे दिखते हैं उसके स्क्रीनशॉट मैं साइड बाय साइड ऐड करती जाऊंगी एंड साथ के साथ उनको रिव्यू भी करती रहूंगी. एंड ऑल द वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने बैग की, क्लोजअप वीडियो और कैसे मैं इसको स्टाइल अप करती हूँ वो वाली वीडियो भी, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत अच्छी वीडियो बनी है ये वाली. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. जैसे जैसे मुझे बैग्स आए हैं ना वैसे वैसे मैं इनको करती हूँ इनका रिव्यू. तो क्योंकि मीशो पे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसे सिस्टम कुछ होता है कि आप एक एक करके कोई चीज ऑर्डर कर सकते हो, लाइक एक सेलर से आप कुछ मंगा सकते हो उसके बाद वो चीज ऑर्डर करोगे फिर नेक्स्ट सेलर से मंगा सकते हो, आप एक बार में एक ही सेलर के प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, तो बार बार आपको चेकआउट करना पड़ता है बैग को. तो ये मल्टीपल ऑर्डर्स में होता है और फिर एक एक करके आपके आइटम्स आती हैं. तो सबसे पहले जो बैग मेरे पास आया था वो है दिस बैग. ठीक है, दिस इज द बैग विच लुक लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से ऐप पे इस तरह से वो प्रेजेंट था और मैंने जो लिया है और ये इस तरह का आया है. एंड दिस प्रिंट इज सो गुड. इसके अंदर आई थिंक जेब्रा प्रिंट भी था, 3-4 ऑप्शंस हैं इस प्रिंट के अंदर सेम सेलर के पास. तो मैंने ये वाला प्रिंट लिया था, मूव प्रिंट लिया था, क्योंकि मेरे पास जो स्नेक प्रिंट वाला ऑलरेडी बैग है एक हैंड बैग, और फिर इसलिए मैंने ये वाले प्रिंट वाला बैग लिया था. तो ये वाला जो बैग है इट इज वेरी क्लासी, बहुत क्लासी लगता है लिया हुआ. तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वाला बैग जो है. अब इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो लेदर जो है वो लेदर का है, एक तो ये तो ठीक ठाक सा लग रहा है लेदर तो अभी, बट इसके जो साइड हैं उस पे कॉर्नर्स जो हैं ये हल्के हल्के से इस पे ग्लू जो है वो थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है. हम ये नहीं कह सकते कि ये उखड़ा हुआ है क्योंकि ये नीचे से स्टिच्ड भी है, बट जो जिप की जो ग्लू है वो दिख रही है एंड दैट्स इट. और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है विच इज गुड. तो इसकी जो जिप की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक सी है, थोड़ी हार्ड बंद होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेती है, तो देखने में ये बैग बहुत अच्छा है. तो अब अगर बात करें अंदर के कपड़े की, तो अंदर का कपड़ा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो अंदर के कपड़े की क्वालिटी इज नॉट गुड एट ऑल. तो ये ठीक ठीक सा ही है सिस्टम अंदर वाले कपड़े का, बट देखने में ये बैग बहुत अच्छा लगता है. आउटफिट के साथ पहना हुआ ये वाला बैग इज लुक्स सो गुड, काफी स्टाइलिश लगता है, जिसके करके ही मैंने इसे ऑर्डर किया था. तो क्योंकि बैग्स, ये वाले बैग्स हमने जस्ट जब बाहर कहीं जाना होता है तब स्टाइल अप करने होते हैं, अदरवाइज यू नो इनमें कितना ही सामान आता है, तो ये सामान कैरी करने के लिए ये वाले हैंडबैग्स नहीं होते हैं, जस्ट टू शो ऑफ के लिए होते हैं. ठीक है, उस हिसाब से ये वाला बैग इज गुड एंड आई वुड रेट इट 10 में से आई वुड रेट इट 6 out of 10. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग, वी हैव दिस बैग.
तो ये वाला बैग जो है मुझे एक्चुअली पसंद आया है एंड द क्वालिटी ऑफ लेदर इज गुड, अच्छी लग रही है इसके ऊपर की लेदर एंड द चेन की क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड। और ये चेन जो है एकदम आराम से बंद हो गई थी एंड आराम से ओपन हो रही है। सी दिस इज व्हाट आई लाइक एंड एवरी वन लाइक्स। ठीक है, अच्छे से चेन खुले बंद हुए क्योंकि पर्स में और होता ही क्या। ठीक है, तो ये इसका प्रिंट है एंड व्हाइट है, ये व्हाइट सबके साथ चल जाता है तो आई थिंक व्हाइट बैग एक होना ही चाहिए। एंड ये जो चेन है ये इसको आप छोटा भी कर सकते हो, यहां से ये निकल के अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें तो ये इतना रह जाएगा तो आराम से इसको फिर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी है कि इसको आप चेंज भी कर सकते हो एंड इसको फिर आप दोबारा से इसमें डाल दो। लेट मी डू दैट। ऐसे तो ये इस तरह से स्टाइलिश सी चेन बन जाएगी साथ में एंड इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये वाला मुझे बैग बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर का कपड़ा भी अच्छा है, ये वाला बैग मुझे पसंद आया है, काफी स्टाइलिश है और लेके भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो इसकी साइड पॉकेट्स दो हैं जिनमें से एक ज़िप्ड पॉकेट है एक नॉर्मल पॉकेट है, तो ये कैरी करने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने कैरी करके इसको वीडियोस जो है वो सारी अपलोड कर ही रही हूँ, आप देख सकते हो कैरी किया हुआ बहुत स्टनिंग लगता है। व्हाइट नॉर्मल लेदर एंड इसके ऊपर जो प्रिंट है ना वो स्नेक प्रिंट वाला ही इसके ऊपर प्रिंट है तो जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो इस बैग को मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगी क्योंकि मुझे काफी स्टाइलिश बैग लगा है तो मैं इसको 10 में से 9 रेटिंग दूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैग वी हैव 2 बैग्स क्योंकि इन ये दोनों साथ में आए हैं, एक के साथ एक मुफ्त। दिस पर्स काइंड ऑफ हैंडबैग स्लैश पर्स कह सकते हो इसको, और इसके साथ ये आया है और मुझे इसको लेके ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो दिस इज द वन हैंडबैग जो है, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक सम काइंड ऑफ लाइक बोहो प्रिंट है इसका, हम कह सकते हैं बोहो सा प्रिंट लगा मुझे इसका। और ये बहुत स्टाइलिश है, लाइक कुर्ता जब हम पेयर अप करते हैं, अब जैसे गर्मियों का अब आगे आ जाएगा तो हम कुर्ते वेयर करेंगे तब उनके साथ इस तरह के जो हैंडबैग्स होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये कपड़े का है तो ये कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि लेदर के जो है लेदर उनका उतर सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन ये वाले जो है कपड़े वाले बैग को कुछ नहीं होने वाला एंड द प्रिंट इज सो नाइस एंड ये कलर इस कॉम्बिनेशन इज वेरी प्रिटी। एंड इसका जो है इसकी दो इस तरह से जिप्स हैं तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है एंड इसके अंदर एक जिप है और एंड अंदर काफी स्पेशियस है। ये वाला हैंडबैग एक्चुअली काफी स्पेशियस है, सो कभी मार्केट जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो इसके अंदर एक छोटी वाटर बॉटल, आपकी इतनी वाटर बॉटल भी आ सकती है एंड आपका फोन एंड चार्जर एंड सम अदर स्टफ लाइक सैनिटाइजर टिश्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, हैंडबैग वाला सारा सामान इसके अंदर आ सकता है। आई रियली लाइक दिस वन एंड ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है, लिया हुआ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई रियली रियली लव दिस बैग, इसमें मुझे कोई खराबी नहीं लगी है। एंड इसके साथ ही एक बैग मिलता है, ये वाला छोटू सा पर्स मिलता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई बार हम मार्केट जाते हैं या कहीं भी पास में जाते हैं आसपास तो ये बहुत हैंडी चीज है क्योंकि इसके अंदर आप इस साइड में इसको टांग के इसके अंदर आप ना फोन रख सकते हो। ठीक है, तो इसको फोन इसमें फोन डाल के आप आराम से घूम सकते हो एंड कुर्ते के साथ ये चीज ली हुई बहुत अच्छा लगता है। कुर्ते के साथ आप साइड स्लिंग इसको टांग लो और उसके बाद इसमें फोन डाल लो, छोटा मोटा कुछ सामान भी आ जाएगा इसमें, तो ये आप रख के इसको आप टांग के एंड उसके बाद आप घूम सकते हो आराम से। आपको कैरी करने की हैंड में फोन कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है। तो ये इसके साथ ही मिला था, सारे पर्स आर अंडर ₹500 तो काफी बजट फ्रेंडली पर्सेस हैं। तो ये वाला दिस वाज द थर्ड एंड फोर्थ वन यू कैन से। इसको मैं रेट करूंगी लाइक 10 में से इसको मैं दूंगी 9.5 क्योंकि ये एक्चुअली मुझे पसंद आया एंड इसके कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्स वी हैव दिस
वन, ठीक है. तो दिस इज द नेक्स्ट हैंड बैग एंड आई रियली लव्ड द कलर, क्योंकि ये वाला कलर मुझे चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि ये वाला कलर जो होता है वो सबके साथ चल जाता है. एंड मुझे डाउट हो रहा था कि इसका कलर कैसा आएगा, क्योंकि इसी चीज में, इसी कलर में एक थोड़ा गंदा सा कलर भी होता है, तो मुझे था कि वो वाला कलर ना आ जाए कहीं, बट दिस इज परफेक्ट. तो ये इसकी जिप की क्वालिटी एंड ऑल एवरीथिंग इज सो प्रिटी परफेक्ट. तो इसके अंदर जो है खाली लेकिन एक ही पॉकेट है, इसके अंदर और साइड पॉकेट्स नहीं है. एंड इसको बोलते हैं क्लाउड बैग. अगर आपने और भी ऑप्शंस देखनी है, सर्च करना है मीशो पे इस तरह के बैग्स, तो इसको बोलते हैं क्लाउड बैग. तो क्लाउड बैग की बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको मीशो पे. तो लेकिन ये है कि क्लाउड बैग बहुत महंगे आते हैं. मैंने पहले परचेज कर रखे हैं क्लाउड बैग्स एंड 1000+ ही आते हैं. तो लेकिन मीशो पे मुझे ये वाला बैग मिल गया है अंडर ₹500, विच वॉज लाइक रियली रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मीशो से कुछ ले रही थी और ये मिल गया मुझे. तो आई एम रियली 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 हैप्पी. इसका जो स्टफ है वो लेदर का है. अब आई डोंट नो कि ये कितना चलेगा, कि खराब होएगा नहीं होएगा, आई डोंट नो कितनी अच्छी वाली क्वालिटी है, वो यूज करने के बाद ही पता लगेगा. लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी कैपेसिटी काफी अच्छी है. काफी सारा सामान इसमें आ जाएगा, यू कैन सी. और स्टाइल अप किया हुआ ये बहुत अच्छा लगता है. इसको आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, क्योंकि कलर ऐसा है कि आप किसी भी के साथ चल जाएगा. एंड आई रियली रियली लव दिस, क्योंकि ये काफी यू नो क्लासी सा कलर है. ओवरऑल मैं इसको 8/10 रेटिंग दूंगी. मूविंग ऑन टू द लास्ट बैग और पर्स और हैंड बैग, वी हैव दिस हैंड बैग. तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा हैंड बैग है. एक्चुअली मुझे अपने लैपटॉप को डालने के लिए चाहिए था कुछ, तो मुझे कैरी करना था अपना लैपटॉप, तो फिर इसलिए मुझे एक हैंड बैग चाहिए था, क्योंकि उस ये थोड़ा अच्छा लगता है यू नो, कुर्ता वगैरह के साथ इसमें कैरी करना अच्छा लगता है लैपटॉप वगैरह. तो मुझे लेना ही था एक हैंड बैग, और तब मुझे ये वाला दिखा एंड द प्रिंट इज सो गुड. इतना एथनिक सा प्रिंट है, ये प्रिंट इज वेरी वेरी नाइस. इसके साथ ये वाली चीज बहुत अच्छे से मैच हो रही है एंड आई रियली रियली लव्ड दिस वन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सामान आ गया था मेरा. तो मुझे ये वाला बैग बहुत सही लगा. तो आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है. तो इसके अंदर जो है एक फोन डालने की एक पॉकेट सी है एंड इसके साथ ही एक जिप मिलती है जिसमें आप अपना कैश वगैरह कुछ सामान रख सकते हो. एंड इसका जो बैक साइड है दैट इज प्लेन, और पीछे भी एक जिप मिलती है जिसमें आप कुछ चिट वगैरह अपना जो थोड़ी बहुत बाहर रखने की चीजें होती हैं वो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो. मैं इस वाले को पार्किंग टिकट्स रखने के लिए यूज करती हूँ, कि फिर मैं ढूंढनी नहीं पड़ती अंदर कोई भी चीज. तो दिस इज द वन, और ये पेयर अप करा हुआ बहुत अच्छा लगता है. इसको चाहे आप जीन्स के साथ ले लो, चाहे आप इनको कुर्ता के साथ पहन लो, किसी के साथ भी पहन सकते हो. एंड दिस इज वॉशेबल आई गेस, क्योंकि ये बिल्कुल कपड़े का है, तो इसको आप शायद वॉश भी कर सकते हो, विच इज वेरी नाइस, क्योंकि जो रेगुलर वाले बैग होते हैं वो गंदे भी हो जाते हैं, तो ये वॉश भी हो जाएगा. तो इसका तो मुझे प्रिंट बड़ा अच्छा लगा. मुझे ये हाथी, ये घोड़े, ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगता है. तो इसका प्रिंट एकदम यू नो राजस्थानी सा लगता है, तो बहुत अच्छा सा प्रिंट है इसका. तो ये वाले सारे बैग्स थे एंड इसको मैं रेटिंग दूंगी 9.5/10, और यू कैन से 10/10. ये थे सारे हैंड बैग्स. एंड आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट, कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज सजेस्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. वही वाली मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी जो आप देखना चाहते हो. एंड नेक्स्ट हॉल्स, मोर हॉल्स आर कमिंग अप एंड मोर वीडियोज, मेनी मेनी मोर वीडियोज आर कमिंग अप. एक तो मेरा रूम ट्रांसफॉर्मेशन वाली ही वीडियो आप देखोगे, क्योंकि मैं वाइट डुकेट थीम टाइप रूम डेकोर कर रही हूँ. आज मैंने ये बैकग्राउंड पे लगाए हैं, तो अभी वो प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब में. तो आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे, आपको कौन से ब्रांड के होल देखना है, किस तरह का होल देखना है. SSS की वीडियोस आती रहती हैं, उनको भी चेकआउट करते रहा करो. एंड मीशो से भी मैं कुर्ते वगैरह और ऑर्डर करूंगी, तो आप मुझे बता देना अगर आपको कुछ स्पेशल कोई चीज की वीडियो बनानी हो या आप कुछ देखना चाहते हैं मेरे को ट्राई करे हुए,
तो आप मुझे जरूर ही सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे मुझे कमेंट कर सकते हैं YouTube पे, अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए या आप किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं Instagram पे। Instagram का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे Instagram पे भी जरूर फॉलो कर लें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोज जो है वो मेरी आती रहती है। एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना ताकि कोई वीडियो आपकी मिस ना हो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा करेगा एक। दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।